आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रायपुर पहुंच गए हैं। बिलासपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी की यात्रा की तुलना पर कुलस्ते ने कहा है कि श्रीराम शंकराचार्य की तुलना नहीं की जा सकती। चुनाव की दृष्टि से बीजेपी में बदलाव किया जा रहा है, चुनाव तक बीजेपी और भी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। IBC 24 संवाददाता राजेश मिश्रा ने फग्गन सिंह कुलस्ते से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। कुलस्ते यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और उसमें यहाँ के एक मंत्री ने इसकी तुलना, इस यात्रा की तुलना श्रीराम की यात्रा और शंकराचार्य की यात्रा से तुलना कर दी। इसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, शंकराचार्य की यात्रा और राम की यात्रा, देखिए भगवान, हम यात्रा 14 वर्ष तक वनवास में थे, तो ये तो उसकी तुलना ये संभव हो भी नहीं सकता। परंतु अब कांग्रेस के लोगों का क्या मत है इसको लेकर के, ये जरूर है कि उनने बीच बीच में ऐसा चल करके पैदल यात्रा किया, ये बात सही है। आज उस यात्रा का समापन हुआ, तो उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा है, अब कितना वो सफल होगा नहीं होगा वो समय बताएगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, राज्य ने अपना अंशदान नहीं दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली। पंचायत विभाग के आप मंत्री हैं, कितना कितने काम से संतुष्ट हैं आप प्रदेश? देखिए, मैं पहले भी कहा, देखिए हमने गरीबों के लिए आवास दिया और मैंने जितना हमने एलोकेशन जो राज्य का है हम बराबर एलोकेशन उनको दिया है, परंतु दुर्भाग्य से उस पे जो गति आना चाहिए, जो प्रोग्रेस आना चाहिए वो प्रोग्रेस देखा नहीं। तो कुल मिलाकर के गरीब के साथ अन्याय करना, ये इस प्रकार की प्रवृत्ति, हमने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि भाई जहाँ भी गरीब का मामला आता है उसके बारे में चिंता करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार बदलाव कर रही है, परिवर्तन कर रही है, अभी मोर्चा के भी नई कार्यकारिणी बनाई है, 14 से कितनी सीट बढ़ेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का कहां पाते हैं, बदलाव से कोई असर आएगा? सारे चीजों को देखिए, राजनीतिक बदलाव होते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो आपने सुना कि ये फग्गन सिंह कुलस्ते थे जो पंचायत के केंद्रीय मंत्री हैं, और इनका यह कहना है कि जिस तरह से गंभीरता से गरीबों के लिए जो केंद्र सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।